नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोज पे। IFCI, क्या ये शेयर अभी तेजी बना सकता है? IFCI का शेयर का प्राइस 91.40 पैसे तक पहुंच गया था, वहां से शेयर का प्राइस डाउन हुआ और अभी यहाँ पे फिलहाल 51.84 पैसे में जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब IFCI यहाँ पे कुछ खास तेजी नहीं बना रहा है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकता है कि ज्यादा प्राइस में IFCI के शेयर में खरीदारी करके रखा है। जो अपडेट आया था कि गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेक इंक्रीज कर रहा है, गवर्नमेंट की ओर से जो है IB इंफ्रा को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहा है, ये सब अपडेट का जो है एक इम्पैक्ट हम लोग को शेयर में बीच में पड़ता हुआ देखने को मिला था। बहुत ज्यादा खरीदारी भी हुआ था, मार्केट सेंटिमेंट भी मतलब यही लग रहा था कि मतलब शेयर जो यहाँ पे तेजी बनाएगा, और अभी जो उसके बाद देखते तो मतलब जो है शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। 51.84 पैसे में जो शेयर ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे दोस्तों IFCI के शेयर को लेके, इसके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को लेकर और क्या चल रहा है IFCI में। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को पूरा बना रही, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। IFCI का शेयर 2% के आसपास यहाँ पे डाउन हुआ है। वही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक हफ्ते में 9% के आसपास शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। यहाँ पे वन मंथ में देखते हैं तो 23% के आसपास शेयर का प्राइस डाउन हुआ है दोस्तों IFCI का। अभी यहाँ पे देखते हैं जो इसका ड्यूरेबिलिटी है जो कि 75 है आउट ऑफ 100, मतलब फाइनेंशियली कंपनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं IFCI है। वैल्यूएशन की बात करते हैं 38.80 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम 42.50 है आउट ऑफ 100 दोस्तों। कंपनी का यहाँ पे देखते हैं IFCI का देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो मतलब शेयर है फिलहाल हमें नहीं लगता कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस रखना चाहिए। और वन मंथ में देख सकते हैं IFCI के शेयर में क्या हुआ है। वन मंथ में शेयर का जो एक हाई प्राइस बनाया IFCI ने 67.64 पैसे का, और जो लो प्राइस बनाया 49.72 पैसे का। वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में जिसने एक हाई प्राइस बनाया 56.95 पैसे का, और जो लो प्राइस बनाया 49.72 पैसे का। एक दिन में देखेंगे तो एक दिन में आप देख सकते हैं IFCI का शेयर जो 53.90 पैसे का एक हाई प्राइस बनाया और जो लो प्राइस बनाया 59.72 पैसे का दोस्तों। कंपनी यहाँ पे IFCI जो है फिलहाल यहाँ पे इसके कुछ मतलब जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं जहाँ पे इसकी जो SWOT एनालिसिस है, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक इंक्रीज किया बताया जा रहा है। कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक्स ओवर 5 इयर्स जो है NIFTY 500 का। कंपनी का जो कैश है कैश थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एंड बात करते हैं कंपनी के जो एनुअल EPS है वो यहाँ पे सही चल रहा है। एनुअल प्रॉफिट की बात करते हैं IFCI का जो कि सेक्टर प्रॉफिट से ज्यादा है। कंपनी IFCI इसकी जो कैपिटल है यहाँ पे सही तरीके से यूज कर रहा है। पिछले 2 साल से कंपनी का मतलब IFCI का जो ROCE है यहाँ पे सही चल रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ROCE सही चल रहा है। कंपनी जो यहाँ पे जैसे शेयर होल्डर्स के जो फंड्स है IFCI यहाँ पे सही तरीके से यूज कर रहा है। कंपनी का जो ROE है पिछले 2 साल से यहाँ पे सही चल रहा है, इंप्रूव हो रहा है। मतलब कंपनी का ROCE यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, कंपनी का ROE यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। बात करते हैं कंपनी का जो मतलब ROA है, ROA में बात करते हैं तो कंपनी का ROA जिसने पिछले 2 साल से सही चल रहा है। एंड कंपनी का जो ग्रोथ है इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है IFCI में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट कैश जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं तो पिछले 2 साल से कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर जो आप देख सकते हैं कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर जो है पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहा है। तो पिछले 2 साल से कंपनी का बुक वैल्यू जो यहाँ पे सही चल रहा है। कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज FIIPS ने यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है। तो ये सब कुछ बोल सकते स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है IFCI में। अभी यहाँ पे देखते हैं कंपनी का जो बोल सकते कि IFCI कुछ वीकनेस को लेके बात करते हैं। पी जो है हायर देन इंडस्ट्री पी है। टेक्निकली IFCI का शेयर उतना ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल नहीं है दोस्तों। कंपनी का यहाँ पे देखते हैं IFCI का जहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है IFCI का जो कि 13,554.1 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। देखिए फंडामेंटल अगर बात करते हैं कंपनी यहाँ पे क्या करता है, बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप देखिए इसका जो Q125 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। Q125 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 708.5 करोड़ से डाउन होके 405.1 करोड़ हुआ है। तो टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने कहा कि Q125 में रिड्यूस हुआ है। बात करते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 330 करोड़ से जो यहाँ पे मतलब जो है Q125 में रिड्यूस होके 221.7 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते 336.7 करोड़ से जो है रिड्यूस होकर 177.7 करोड़ हुआ है। EBIDTA जो है Q125 में आप देख सकते जो कि जबरदस्त डाउन हुआ है। EBIDTA 43.8 करोड़ से डाउन होके 195 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कंपनी का, नेट प्रॉफिट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 157.3 करोड़ से जो है डाउन हुआ है जो कि 108.2 करोड़ माइनस में देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए फंडामेंटली देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस को जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, कुछ खास यहाँ पे बोल सकते कंपनी का प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा है दोस्तों। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बात करते हैं IFCI
कैश फ्रॉम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है यहाँ पे कुछ खास नहीं है कंपनी का, जो कि 103.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो 162.8% के आसपास डाउन हुआ है। तो IFCI में थोड़ा हम लोग देखते हैं अभी कि शेयर होल्डिंग में क्या चल रहा है, मतलब कंपनी अभी यहाँ पे इतना ज्यादा शेयर का प्राइस डाउन हो रहा है तो या फिर टेक्निकली कैसा है। देखिए टेक्निकली बात करते हैं IFCI के शेयर, दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे टेक्निकली जो ये शेयर एक बहुत सी न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है एक बेयरिश पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब टेक्निकली IFCI का शेयर जो है टेक्निकली IFCI का शेयर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग यहां पे एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस IFCI के शेयर में रखे। दोस्तों वॉल्यूम की बात करते हैं IFCI का, आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहां पे फिलहाल BSE रहने से मिला के एक दिन का जो है 11 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 32.6% है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 3.6 मिलियन है। एक हफ्ते की बात करते हैं 10 मिलियन के आसपास यहां पे BSE रहने से मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 35.2% के आसपास है और डिलीवरी वॉल्यूम जो 3.5 मिलियन के आसपास है। तो देखिए ओपे वन मंथ का देखते हैं तो 9.1 मिलियन इसका BSE से मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज है 37% के आसपास है और यहाँ पे जो डिलीवरी वॉल्यूम है 3.4 मिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे समझिए क्या हुआ है IFCI में एक दिन में, मतलब फिलहाल जो इसका जो बोल सके जो डिलीवरी परसेंटेज है जो कि वन मंथ का 37 मिलियन के आसपास था उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे IFCI का जो मतलब डिलीवरी परसेंटेज है वो डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है IFCI के शेयर का। वो डिलीवरी वॉल्यूम की बात करते हैं IFCI का, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.4 मिलियन यहाँ पे था डिलीवरी वॉल्यूम, तो अभी जो एक हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम बनाया एक दिन में जो कि 3.6 मिलियन के आसपास जो IFCI का यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी यहाँ पे IFCI देखेंगे तो ऐसा कुछ फिलहाल टेक्निकली बात करते हैं तो टेक्निकली जो ऐसा कुछ पैटर्न फिलहाल IFCI में नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बोल सकते कि जो इसका जो मतलब रेजिस्टेंस है जो कि 54.62 का है और उसका देखते और एक देखते यहाँ पे 56.35 है एंड यहाँ पे जो है 50.80 का है। अभी यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं IFCI के शेयर का 50.44, तो 50.44 से अगर शेयर नीचे पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं कि शेयर का प्राइस और डाउन हो सकता है। उसके बाद देखेंगे तो 47.99 का एक सपोर्ट बताया जा रहा है और उसके बाद देखें तो लगभग 46.26 का जो है यहाँ पे एक सपोर्ट बताया जा रहा है IFCI में। दोस्तों तो टेक्निकली यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है IFCI में, तो मतलब बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं IFCI में। तो अभी देखिए शेयर होल्डिंग जो है IFCI का शेयर होल्डिंग को लेकर बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है प्रोमोटर्स के पास 71.72% का स्टेक है, प्रोमोटर्स के पास 71.72% का स्टेक है और यहाँ पे जो FIS है FIS के पास देख सकते हैं 2.4% का स्टेक था। FIS ने जो यहाँ पे स्टेक बोल सकते हैं जो इंक्रीज करके 2.54% का स्टेक किया है एंड जो म्यूचुअल फंड्स है म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं 0.04% का स्टेक था एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जो स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 0.11% का स्टेक किया है। तो यहाँ पे बात को समझते अगर तो मतलब जो FIS है FIS ने यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है दोस्तों एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो बोल सकते हैं जो अदर्स है अदर इंस्टीट्यूशन है अदर इंस्टीट्यूशन के पास 4.6% का स्टेक है, पब्लिक के पास 21.03% का स्टेक है। IFCI का फिलहाल अगर देखते तो ऐसा कुछ टेक्निकली जो है बोल सकते कि फिलहाल कुछ ऐसा टेक्निकली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि शेयर जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। अभी कंपनी जो है IFCI जो कि ASM में चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ASM में चल रहा है तो एंट्री डेट जो ASM का बताया जा रहा है यहाँ पे जब से ये शेयर मतलब एग्जिट होगा तो यहाँ पे फिलहाल अभी एक्टिव है ASM में। तो यहाँ पे देखना है कि ASM से अगर बाहर आता है ये शेयर तो तभी हो सकता है कि ये शेयर जो थोड़ा बहुत तेजी बना है। फिलहाल तो अभी ASM में जैसे कहा जाता है कि ASM में है शेयर तो एग्जिट होता है तो शेयर ASM से मतलब बाहर आता है ASM से तभी जाके शेयर में थोड़ा बहुत तेजी बनता है। दोस्तों अभी आपको कैसा लगता है IFCI का शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पे नोइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर।